स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस के नए अपडेट्स के बारे में। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, गूगल एडसेंस हमेशा कोई ना कोई अपडेट्स जारी करता रहता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और नया अपडेट्स जो है कि यहाँ पे देखने को मिला है, और इस अपडेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर एक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपके पास आ चुका होगा। अगर आप एक ब्लॉगर हो और आपने अगर हम बात करें इसके ऊपर अपनी एडसेंस अप्रूवल ले रखिए, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने अंदर जो है कि इस एक्शन को यहाँ पे देख पाओगे और इसे कैसे आप जो है कि फिल्टर कर पाओगे, किस तरह से अप्लाई कर पाओगे, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है यहाँ पे देखोगे आप तो, जो लोग भी अगर हम बात करें तो एडसेंस के अगर अकाउंट को अप्रूव करा बैठे हुए जो लोग भी इसके माध्यम से अर्निंग कर रहे हैं, उन्हें जो है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रैफिक को लेके और ट्रैफिक लाना, और जो अभी अपडेट्स आया है, जो कोर अपडेट्स आया है, उसको देखते हुए ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क बन गई है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अगर आप ट्रैफिक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो तो देखो आपको जेन्युइन तरीके से काम करना होगा। प्लस अगर हम बात करें कुछ ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, कुछ मेथड्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए काफ़ी सारी वीडियोस देखोगे, काफ़ी सारी ट्रिक्स देखोगे, समझोगे, जब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। जल्दी इतना जल्दी आपको कैच नहीं कर पाओगे ट्रैफिक को लेकर, अदरवाइज़ आप परेशान होते रहोगे। अदरवाइज़ आप जो है कि जेन्युइन तरीके से काम करो जिससे कि आपको एक बेटर रिस्पॉन्स आपको मिल सके। फिलहाल अगर हम बात करें तो अपडेट में जो आया है, उस अपडेट को अगर हम बात करें तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग आपको इतना तो हेल्प मिल जाता है कि 500,000 भी पेज व्यू आते हैं ना, तो इससे आपको एक अच्छी सीपीसी देखने को मिलेगी, एक अच्छी एड रेवेन्यू देखने को मिलेगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब कैसे ये बेनिफिट देगा ये हमको जानना है, इसे ऑन कैसे करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, और अपडेट क्या है वो हमें समझना है इस वीडियो में। सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जैसे ही अपडेट आया तो ये बोल रहा है शॉपिंग लिंक्स एंड जो है कि शॉपिंग एंकर लैब विल बी क्लोज्ड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि हमेशा कोई ना कोई अपडेट रहता है, इसकी आदत से पड़ गई है कि कुछ ना कुछ अपडेट डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और जो है कि उसे क्लोज कर दो, उसे जो है कि उसे बंद कर देता है। कुछ नया लाता है उसे बंद कर देता है, फिर नया लाता है, फिर कुछ नया ला के बंद कर देता है। अब इसकी एक हैबिट बन गई है, हमेशा ये अपडेट करता रहता है। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है हमारे ब्लॉगर के लिए, फिर अगर हम बात करें कोई भी यूट्यूबर्स के लिए। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो इसने अपडेट लाया था उस अपडेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें जो है कि इसने लाया था शॉपिंग लिंक्स का एक अपडेट। इसके पहले आपको याद होगा इसके बारे में मैंने अपडेट दिया था। प्लस अगर हम बात करें तो ये शॉपिंग एंकर जो है कि लैब्स का एक यहाँ पे अपडेट लाया था जो कि शॉपिंग लिंक्स हमने हमारी वेबसाइटों में शो करता था, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ता था, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत सारे लोग जो कि बल्कि यूज़र डिस्टर्ब होता था, और वहाँ से अगर हम बात करें इनकम के चांसेस, क्लिक के चांसेस बढ़ते ही नहीं थे। अब जो है कि इसका अपडेट जो आया है, उस अपडेट में अगर हम बात करें तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि आप जो है कि इसमें इन दोनों को रिमूव किया गया है और एक अलग से शॉपिंग एड्स बना दिया गया है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा नज़र करो और नज़र मारो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से, जो इस तरीके से पॉपअप में डिस्प्ले हो रहा है ना शॉपिंग का, इस तरीके का अब ऐड डिस्प्ले करेगा। मतलब आपकी वेबसाइट जो है, उस वेबसाइट को यहाँ पर कुछ इस तरह से वेबसाइट रहेगी, उसके नीचे एक छोटा सा शॉपिंग लिंक रखेगा, और जैसे ही उसके ऊपर यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा शॉपिंग की लिस्ट आ जाएगी। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को प्रमोट करने का आपकी वेबसाइट के जरिए एक बहुत ही अच्छा जो है कि ऐड फीचर लाया गया है। अब इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि आपको एक अच्छी ऐड रेवेन्यू देखने को मिलेगी और इससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी वैल्यू, उनकी सीपीसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यूज़र डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको चेकआउट करेगा कि भाई इससे रिलेटेड बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इससे हम चेक करें और देखें इससे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल है या फिर कोई फ़ोन है, कोई गैजेट है, तो डेफिनेटली हम वो विजिट करते हैं और परचेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्लिक्स के पैसे मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, विजिट करेंगे वो अलग मिलेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एडवांटेज देखने को मिलेगी। अब तो आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाली है और इससे किन को बेनिफिट होने वाला। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होने वाला है इस एड रेवेन्यू से, वो है जो कि एफिलिएटर को, जो कि एफिलिएट करते हैं, जो कि एफिलिएट के माध्यम से इनकम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एफिलिएट करते हैं, अगर आपकी एफिलिएट की वेबसाइट है, तो बिल्कुल आपको एक बहुत ही बड़ा यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप इसके माध्यम से एक अच्छी रेवेन्यू, बहुत ही बड़ी रेवेन्यू आप इनकम कर सकते हो। तो सिंपली अगर हम बात करें इसको कैसे एक्टिवेट करना है, ये हम जान लेते हैं। ये एक सबसे बड़ा अपडेट है
और इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने एडसेंस में जाना है, और इस एडसेंस में जाने के बाद यहाँ पे एड्स के ऊपर क्लिक करना है, और इस एड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है कि आपको सिंपल सा यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे एक पेंसिल का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और वो पेंसिल का बटन आपको आई होप कि मुझे नहीं लगता आपको शो हुआ होगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग आ रही है तो इसके लिए नहीं शो हो रहा है, आपको मालूम है गूगल एड्स में आना है, उसके अंदर वो मिल जाता है। तो उसके बाद देखो ये कुछ इस तरीके से पहले से ही ये सजेशन कर दे रहा है, डिस्कवर द इंटेंस इस तरीके से आ जा रहा है, ठीक है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड है जब भी जाके ये शो होगा, देखो पहले से ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा भी रहा है कि भाई ये आ चुका है नया बेटा वर्जन में, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे ऐड फॉर्मेट यहाँ पे शो करते हैं, इन सारे ऐड फॉर्मेट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये एक और भी ऐड फॉर्मेट यहाँ पे ऐड कर दिया ये वाला, तो इसे क्या करना है ऐड इंसर्ट के ऊपर ऑन कर देना है और ये एक्नॉलेज इसे ऑन कर देना है, और जैसे आप इसे ऑन कर दोगे उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल सा टास्क है बस ये, इतना करने के बाद इसे अप्लाई कर देना है, देखो वन बाई वन हो जाएगा और इसे अप्लाई कर देना अपनी साइट पे कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा टास्क है जिसके माध्यम से आपका ये ऐड वाला जो सिस्टम है ये एनेबल हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कैसे इसे आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो इसका नाम भी है इंटेंस ड्राइव फॉर्मेट, वो जो कि वहां पे लिखा था, ये देखो यहाँ पे जो कि मैंने आपको दिखाया पेंसिल पे क्लिक करके, इसका नाम ही है इंटेंस, ये देख सकते हो इंटेंस इंटेंट ड्राइवन फॉर्मेट्स, ठीक है ये फॉर्मेट है, और इसे ऑन कर देना ऐड इंस्टेंट पे, ये ऑटोमेटिक लिंक ले लेगा, कुछ समय टाइम लेगा, कम तकरीबन 24 आवर्स का समय लेगा, उसके अंदर अंदर ही ये फिक्स कर लेगा। अब अगर हम बात करें तो ये चीजें करने के बाद आप आसानी से एक अच्छी रेवेन्यू, एक अच्छी इनकम इसके माध्यम से जनरेट कर सकते हो, जिनके ऊपर कम व्यूज आ रहे हैं, जिनके ऊपर कम पैसे बन रहे हैं, वो एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये गूगल एडसेंस का बहुत ही बेहतरीन फीचर लगा, और अब तक का जो शॉपिंग लिंक्स वाला था, अगर हम बात करें शॉपिंग लिंक्स लैब था, इस तरीके के जो ऐड फॉर्मेट थे उनसे काफ़ी अच्छा ये ऐड फॉर्मेट है, उन यूज़र को ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जो कि एफिलिएट से रिलेटेड वेबसाइट बना रखे हैं और उनके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ रही है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज इसका मिलेगा, प्लस अगर हम बात करें बिगिनर को भी इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।